बाइक एक्सीडेंट रूस्टर चिकन बिरयानी। विनायकपुर नाम के गांव में मुन्ना नाम का व्यक्ति रहता था। वो अपने घर में बैठे मजे से टीवी देख रहा था कि तभी उसके सास ससुर घर आए। उन्हें देखकर उसकी पत्नी मिनी, सुनो जी, मेरे माँ और बाबूजी आए हैं, मैं क्या पकाऊँ आज, दाल सब्जी बना दूँ, यूँ पूछते ही तब मुन्ना, अरे क्या बकवास कर रही हो, मेरे सास ससुर आए हैं, उन्हें तुम ये दाल करी खिलाओगी हैं? के लिए चिकन बिरयानी बनाओ। तब मिनी, पर हमारे पास पैसे कहाँ है जो आप चिकन लेके आओगे। तब मुन्ना, अरे तुम इसकी क्यों चिंता करते हो, वो सब मुझ पर छोड़ दो, तुम जाओ और मसाला तैयार करो, मैं बढ़िया सा मुर्गी लेकर आता हूँ। यूँ कहकर अपना बाइक निकाल रहा था कि तभी उसका ससुर अभिलाष मुन्ना को देखकर, भाई दामाजी को हमसे बहुत प्यार है, जब भी हम आते हैं तो मुर्गी काट कर लाते हैं, पर ये हमेशा मुर्गी क्यों लेके आते हैं, कभी कभार मटन भी खिलाया करें। तब मिनी, अरे आप चुप रहो बाबूजी, बेचारे उनके पास मुर्गी खरीदने के लिए तो पैसे है नहीं, जब आप आते हैं तो वो बस हवा में उड़ते हैं, बस कुछ ना कुछ लेकर आते हैं और कहते हैं इसे पकाओ। यूं मुन्ना सड़क पर बाइक चलाते हुए जा रहा था कि सामने उसे एक मुर्गी दिखाई दी। मुन्ना ने तुरंत बाइक रोका और अपने ससुर को फोन लगाकर, बाबूजी एक बहुत बढ़िया देसी मुर्गा है, कम से कम 3 किलो से तो ऊपर होगा, ले आऊं? तब उसका ससुर, हाँ हाँ बेटे, जरा देख कर ले आना, कहीं दुकानदार तुम्हें ठग ना ले। तब मुन्ना ने फोन काटा और सीधा अपने बाइक को ले जाकर उस मुर्गी से जा टकराया। जब वो मुर्गी मर गई तो उसने इधर उधर देखा, जब उसने पाया कि कोई देख नहीं रहा है तो उसने तुरंत उस मुर्गी को उठाया और अपने बाइक में रखा और सीधा घर ले गया। घर पर उसके ससुर ने देखा कि मुर्गी का खून बह रहा है। तब ससुर अभिलाष मुन्ना से, ये क्या बेटे, ये मुर्गी का खून क्यों बह रहा है? तब मुन्ना, क्या बताऊं बाबूजी, मैं इसे दुकान में खरीद कर ले आ रहा था, लगता है मुर्गी को पता चल गया कि आज ये कटकर बिरयानी बनने वाला है, इसलिए ये बाइक से उछला और भागने लगा, मैंने इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन ये मेरे हाथ नहीं आया, तब मैंने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया, सीधा निशाना साधा और जोर से फेंका, बस ये मुर्गी वहीं ढेर हो गई और इसे ले आया, ये वही चोट है। तब उसका ससुर, ये तो तुम थे बेटा जिसने निशाना साधा और उसे मारा, तेरी जगह अगर मैं होता मैं ये ना करता, चुपचाप घर लौट आता, तब तुम्हारी सास निशाना साध कर मुझे पत्थर मारती। मुन्ना उस मुर्गी को मिन्नी को देते हुए, अब इसे साफ करके मसाला डालकर बढ़िया सा बिरयानी बनाओ, हम चस्का लेकर खाएंगे, यूं कह ही रहा था कि तभी एक पुलिस ऑफिसर मुन्ना के पास आया। उसे देखते ही मुन्ना को शक हो गया। मुन्ना ने पूछा, क्या बात है सर, यहाँ कैसे आना हुआ? तब पुलिस वाला, कुछ नहीं भाई, मेरी मुर्गी दिखाई नहीं दे रही, मैं उसे ढूंढते हुए आया हूँ। यूँ कहते ही मुन्ना, साहब आपके मुर्गी का कोई निशान कोई चिन्ह अगर है तो बताइए, अगर वो यहाँ कहीं नजर आई तो उसे पकड़ कर आपके पास ले आऊंगा। यूँ कहते ही पुलिस वाले ने उस मुर्गी के निशान बताने शुरू किए। पुलिस वाला, वो मुर्गी एकदम लाल दिखाई देती है, पूरे शरीर में उसके पंख लगे हुए हैं, कम से कम 5 किलो की तो होगी, वो मुर्गा मेरी पत्नी का बहुत प्यारा है, अभी वो गाँव गई है, जब लौट कर उसे पता चलेगा कि मुर्गा गायब है तो वो मेरा बिरयानी बनाएगी। यूँ कही रहा था कि तभी मिनी उस मुर्गी के पंख निकाल कर उसे लाते हुए, मुन्ना मैंने पंख निकाल दिया है, अब बस इस मुर्गी में मसाला भरकर बिरयानी बनाती हूँ। यूँ कहने लगी। तब मुन्ना, अब ये बताने के लिए मुर्गी को बाहर लाना जरूरी है क्या, जाओ अंदर जाकर मसाला भरो। तब बिना पंख के मुर्गी को देखकर पुलिस वाला, मुन्ना भाई मेरा मुर्गा भी एकदम ऐसा ही दिखता है, वही नाक वही आँख। तब मुन्ना, सर आप भी कितने भोले हैं, भाई जब उसके पंख निकल जाए तो सब मुर्गियाँ एक जैसी दिखती है, हर मुर्गी का चिकन ऐसा ही दिखता है सर। वैसे आपने क्या कहा था कि आपका मुर्गा 5 किलो का है, पर इसे देखिए ये तो 3 किलो का भी नहीं है। तब पुलिस वाला, सच कहते हो, इसका वजन बहुत कम है। तब मुन्ना, आप जाइए सर, अगर आपका मुर्गा नजर आया तो मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा और आपको सौंपूंगा। यूँ कहते ही पुलिस वाला वहाँ से चला गया।
उसके जाते ही मुन्ना का ससुर अभिलाष, बेटे सच सच बताओ ये मुर्गा उसी पुलिस वाले का है ना? तब मुन्ना, पर बाबूजी आपने एकदम सही कैसे बताया? तब अभिलाष, बेटा जब वो पुलिस वाला आया तो तुम्हारे आँखों में डर था, तुम्हारी बातों में हड़बड़ाहट थी, एक वक्त था जब मैं भी ये सब कुछ करता था बेटा। तब मुन्ना, तो बाबूजी आप भी बस चोरी के मुर्गे ही? तब ससुर, हाँ बेटा मैं भी मुर्गी चोर हुआ करता था। तब मिनी, तो फिर क्या दामाद और ससुर हर रोज जाओ सड़क पर किसी मुर्गी को टक्कर मार के और उसे उठा कर ले आओ, हम हर रोज मुर्गी का बिरयानी खाए करेंगे। यूँ सब हंसने लगे और मजे से बिरयानी खाने लगे।